हेलो दोस्तों, चलिए चैप्टर नंबर 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब इलास्टिक कांस्टेंट के चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, जैसे कि ई और जी का। अब ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या उसका दूसरा नाम है शेयर मॉडुलस। ये दो नाम याद रखना। न्यूमेरिकल में कभी वर्डिंग में दिया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर गिवन मटेरियल, तो समझ जाना कि जी दिया है। बाद में दूसरा रिलेशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस, ई और के बीच का है। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करके ना 100% क्वेश्चन नंबर 4 में एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो इसी की तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी के लिए सबसे पहले हमने चुना है किसको, विंटर 19 का एक सम और समर 23 का सम। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं साइमल्टेनियसली एक ही लेक्चर में दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आइए सबसे पहले विंटर 19 में पूछा गया सम करते हैं। विंटर 19 का सम यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, जब ये सॉल्व करूंगा तो उस टाइम पे उसका सम सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे गिवन क्या है विंटर 19 के सम में, विंटर 19 के सम में दिया है E इज इक्वल टू 110 GPa और G इज इक्वल टू 43 GPa, डायरेक्टली नोटेशन के साथ दिया है। तो आपको पता है GPa का कन्वर्जन इंटू 10^3 होता है, बाकी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो हमने कन्वर्ट करके ले लिया। और टू फाइंड, सिंपल टू फाइंड, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है। क्या बोला है टू फाइंड में, के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो दोनों चीजें पूछी है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हड़बड़ी की बात नहीं, आराम से दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए सोल्यूशन, जब भी आपको न्यूमेरिकल में शेयर मॉडुलस या बल्क मॉडुलस दिया रहेगा ना, समझ जाना कि ये दो इक्वेशन काम आने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको के निकालना है ना, के कौन से इक्वेशन में, यहाँ पे। तो अगर आपको के निकालना है तो ई भी पता होना चाहिए और म्यू भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ई तो दिया हुआ है बट म्यू पता नहीं है, तो म्यू कैसे निकालेंगे, हमें जी दिया हुआ है ना, तो जी और ई पता है तो म्यू निकलेगा। तो पहला इक्वेशन यूज करेंगे, देखिए कैसे, ई इज इक्वल टू 2g इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। तो अब यहाँ पे ई और जी के वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा। ई का वैल्यू 110 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 2 इंटू 43 इंटू 10^3 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट इधर डिवाइड में जाएगा, देखते हैं कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। ये समझते हो ना, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना। 110 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 43 इंटू 10^3, तो आपको ये 1.28 मिलेगा इधर का वैल्यू। ये इधर डिवाइड करके 1.28 मिला, इज इक्वल टू, इधर बचा क्या बस 1 प्लस म्यू। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, ये 1 इधर प्लस था, इधर जाके माइनस होगा, 1.28 से 1 माइनस किया तो बचता है कितना, 0.8। ये हो गया आपका आंसर। ये जो चीज पूछी गई थी वो निकाल दी। कितना इजी है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये, देखिए कितना इजी है। अब म्यू तो निकल लिया, अब के के लिए अभी आराम से म्यू पता चला है तो के निकल जाएगा ना इस इक्वेशन से। ई इज इक्वल टू 3k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। अभी क्या करेंगे, ई का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 110 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू म्यू का वैल्यू 0.28। अभी ना काम डाउन रह के कैलकुलेशन करेंगे, अब मैं बताता हूँ वैसा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ना ये ब्रैकेट का वैल्यू इंटू 3 करिए, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 0.28, तो ये 1.32k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 110 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 1.32 इंटू के। कितना सिंपल है, देखिए। देयरफॉर के इज इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड होगा,
कौन सी बड़ी बात है, उसमें निकाल लेंगे हम 110 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 1.32। कितना इजी और साधारण न्यूमेरिकल था, देखिए आप ही 83.33 इंटू 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दैट्स इट। आंसर आप क्रॉस चेक करना, गाही में कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो गई है तो बता भी देना, प्रोसीजर पूरा का पूरा सही है, डन। तो ये विंटर 19 का न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम पीछे पड़ेंगे किसके, समर 23 का जो न्यूमेरिकल है उसके पीछे। ये साथ में ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो मोबाइल एडजस्ट करना, फिर बोर्ड पे आके गिवन लिखना, टाइम जाएगा, अपने पास इतना टाइम है नहीं। अभी देखिए गिवन समर 23 का न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे अब दिख रहा है, चाहिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसका काम हो गया है, नहीं तो रहने दो, जब लगेगा तब रफ करेंगे। गिवन क्या है इसमें समर 23 के न्यूमेरिकल में, उन्होंने दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर मटेरियल 110 जीपीए, जीपीए का कन्वर्जन 10^3 कर दिया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया। फिर शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, वो दिया है 42 जीपीए, तो जीपीए का 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसके बाद डायमीटर दिया है उस बार का 37.5 mm है, उसके बाद लेंथ भी दी है 2.4 मीटर दी थी, तो उसको mm में लिखना जरूरी है क्योंकि बाकी सब फैमिली मेंबर्स mm में है, तो लेंथ कहाँ से आया है जो मीटर में रहेगा, नहीं रहेगा मीटर में, उसको भी mm कर दिया। अब चेंज इन लेंथ भी दिया है 2.5 mm, ये सब दिया रहता है ना, उसमें से कुछ चीजें लगेगी तो सॉल्यूशन में यूज करना है, टेंशन नहीं लेना, जितना दिया है लिख देना वहां पे, ओके। आराम से देखो टू फाइंड क्या पूछा है, के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। दूसरा लैटरल कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वर्डिंग में है लैटरल कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। लैटरल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, चेंज इन लैटरल डायमेंशन, जो डायमीटर में चेंज होगा, अभी अगर ऐसा स्टील वायर है तो इसका लैटरल डायमेंशन यही हुआ ना डी, तो चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पुट कर दिया मैंने, ये आराम से निकलेगा। पहले तो के का सोच लेते हैं हम, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक है, ये आपको ना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा, ये विंटर 19 का सम हो गया अपना, तो इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, है ना, थोड़ा खुला खुला दिखेगा ये, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, कर दिया रब मैंने। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको के निकालने के लिए बोला है ना, तो के का इक्वेशन देखिए, के तभी निकल सकता है जब आपके पास ई और म्यू दोनों वैल्यू है, ई और म्यू, उसमें से ई तो है अपने पास बट म्यू नहीं है, तो म्यू को प्राप्त करना पड़ेगा। अब म्यू को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जी दिया है, तो ई और जी पता है तो म्यू निकलेगा, इसका मतलब पहला इक्वेशन पहले यूज करना पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्चुअल जा रहा हूं मैं, कोई रटने की चीज नहीं है, गिवन डेटा देख के और इक्वेशन को देख के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना, रटो मत। आइए म्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे ई इज इक्वल टू 2g अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, ई का वैल्यू 110 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 2g, जी का वैल्यू पता है ना, पुट कर देते हैं 42 इंटू 10^3 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, अभी ये इधर डिवाइड में जाएगा तो हमें 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगा। देखिए क्या करता हूँ, 110 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 इंटू 10^3 1.31 इज इक्वल टू, ये इधर भेजा था ना, बचा क्या इधर 1 प्लस म्यू, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, बड़ा साधारण बन जाएगा,
ये वन इधर प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 1.31 में से 1 माइनस हुआ कितना बचता है, कैलसी भी लेने की जरूरत नहीं, 0.31। बड़े आराम से म्यू निकाल दिया आपने। अब एक बार म्यू मिला तो अब के निकाल सकते हो, तो के का इक्वेशन यूज करो। अब नाउ इज इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू, दैट्स इट। ये का वैल्यू कितना है, 110 × 10³ इज इक्वल टू, के पता नहीं है, एज इट इज लिखो 1 − 2 × 0.31, है ना। ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करना है, खुद का ही पेपर खुद को छापना है, इतना याद रखिए। ओके, अभी ये 3 और ये ब्रैकेट का वैल्यू, ये दोनों का एक साथ हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है उसमें, क्या कर रहा हूं देखो, 3 × 1 − 2 × 0.31, तो ये आपको मिलेगा 1.14। तो क्या हो गया देखो, 110 × 10³, 3 का और ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन क्या हो गया, 1.14 बराबर है 1.14 के। देयरफोर के इज इक्वल टू, ये 1.14 इधर डिवाइड में जाएगा, इधर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ना ये सिंपल चीज है आपका, ना बेसिक हाई स्कूल में ही पक्का हुआ है, ये आना चाहिए आपको। 110 × 10³ डिवाइडेड बाय 1.14, तो ये मिलेगा हमें 96.49 × 10³ न्यूटन पर mm². ये हुई ना बात, ये देखिए खत्म। के चाहिए था, के मिल गया। अभी दूसरी चीज क्या है, चेंज इन डायमीटर या लैटरल डायमेंशन, या उसको लैटरल कॉन्ट्रैक्शन भी बोलिए। अभी ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पे आएगा लैटरल डायमेंशन, इसके लिए फॉर्मूलेज की लिस्ट आपके दिमाग में रेडी होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। ये साइड निकालता हूं मैं, म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ये है ना कॉन्स्टेंट, पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन, लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, इसका यूज करके आप निकाल सकते हो। देखिए, देयरफोर म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन, मतलब क्या, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ये ऊपर का हो गया। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, ये देखिए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, डिनोमिनेटर का ये जो न्यूमरेटर है एज इट इज नीचे रहेगा, और ये एल जो है ऊपर चला जाएगा इनटू एल। बड़े आसान तरीके से सिंप्लीफाई किया, अब इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए, आपको चाहिए क्या, डेल्टा डी ना, सेकेंड चीज, तो उसको ही एक साइड रखो, बाकी सब चीजें इधर लेके जाओ। मतलब क्या होगा, म्यू इंटू ये डी इधर मल्टीप्लीकेशन में, डेल्टा एल भी मल्टीप्लीकेशन में, ये एल जो है इधर जाके डिवाइड में जाएगा, बचा क्या बस इधर डेल्टा डी, यही तो अकेला चाहिए था जो हमें फाइंड आउट करना है। निकाल दिया ना एक बाजू में, इसको सेपरेशन करता हुआ, इधर से मैं इधर आया, याद रखना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर उल्टा कैसा लिख रहे हो आप, अभी जैसी जगह है वैसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इंजीनियर का दूसरा नाम जुगाड़ होता है, सही तरीके से लगाओ काम आता है। ओके, ठीक है, चलो, म्यू 0.31 × d 37.5, उसके साथ डेल्टा एल, डेल्टा एल कहाँ गया भाई, 2.5, डन, डिवाइडेड बाय लेंथ, एल इज इक्वल टू 2400 mm, 2400 mm, ये मिलेगा आपको डेल्टा डी। देयरफोर डेल्टा डी इज इक्वल टू, करिए इसका कैलकुलेशन और मुझे आंसर बताइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आंसर बताने में हिचकिचाना मत, ठीक है, आंसर इसका आना चाहिए आपको ये डिवाइड करके।
तो यहाँ पे एंड होता है आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 जो पूछा गया था समर 23 के एग्जाम में। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो उसका फीडबैक हम देते हैं, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 1000 फॉलोअर्स का। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।